सितंबर 16 को यहाँ पे एप्पल ने मैकओएस सिकोया तो यहाँ पे रिलीज कर दिया बहुत सारे कमाल के फीचर्स के साथ, और जैसे वो रिलीज हुआ तो हम सब ने अपने मैकबुक्स को भी यहाँ पे अपडेट कर लिया। पर मैकओएस सिकोया जो फीचर्स अपने साथ लेके आता है वो शायद हमें यहाँ पे नहीं पता, जैसे बोल आईफोन मिररिंग हो गया, या विंडोज़ को अरेंज करना हो गया, या फिर नई पासवर्ड एप्लीकेशन को यूज़ करना हो गया, बहुत सारी अदर चीज़ें यहाँ पे एप्पल ने लॉन्च करी है इस अपडेट के साथ, तो हो सकता है कि आपको शायद ना पता हो। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 50 ऐसे फीचर्स जो मैंने मैक और सिकोया के अंदर देखे हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, और वो फीचर्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैकबुक यूज़ कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम सपोज आप मैक और सिकोया यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं तो आपको इन फीचर्स के बारे में पता हो, आपका मैक ओएस का जो यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे और ज़्यादा एनहांस हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं हर एक फीचर को। मैं आपको दिखाऊंगा अपने मैकबुक की स्क्रीन की पे कि कौन कौन से फीचर यहाँ पे कैसे काम करता है ताकि ईजिली अपने मैकबुक पे आप उसको इंप्लीमेंट कर पाए। तो इस वीडियो को एक भी पार्ट को मिस यहाँ पे मत कीजिएगा। चलिए यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो डोंट वरी, मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो जो भी आप फीचर यहाँ देखना चाहते हो यहाँ पे आप स्किप करके उस चीज़ को यहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर नई मेंबरशिप यहाँ पे लॉन्च करी है जहाँ पे आप कुल 89 रुपीज़ के अंदर आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे, जैसे कि आपको अर्ली एक्सेस टू वीडियोज़ मिलेगा, आपको टॉप प्रायोरिटी मिलेगी कॉमेंट्स के लिए कि जहाँ पे आपको कॉमेंट्स जो होंगे वो बहुत जल्दी आप रिप्लाई देखने को मिलेगा, आपको और ज़्यादा कुछ आपको हेल्प चाहिए कुछ भी चाहिए तो बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ मेंबरशिप को यहाँ पे ज्वाइन यहाँ पे आप कर सकते हैं, हमारे चैनल के मेंबर यहाँ पे आप बन सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो चलिए पहले हम बात करते हैं पहले फीचर के बारे में जो यहाँ पे आता है, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। जैसे गाइस क्या होता है कि जब हमने सपोज मैकबुक्स पे या इवन सपोज ब्राउजिंग जब हम यहाँ पे करते हैं तो हमें बहुत सारे पॉपअप्स दिखते हैं, जैसे सपोज कोई वेबसाइट पूछती है लोकेशन के लिए, कोई यहाँ पे कोई परमिशन के लिए यहाँ पे पूछती है, या सपोज किसी वेबसाइट पे ऑटो लॉगिंग का हमें पॉपअप दिखता है कि गूगल से हम उस वेबसाइट पे साइन इन यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे पॉपअप्स ऐसे आते हैं जिसकी वजह से ना मतलब हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, हमारी ब्राउजिंग जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इरिटेटिंग सा हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे एप्पल ने बहुत ही कमाल का फीचर यहाँ पे लॉन्च किया है जो है यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। इसकी मदद से क्या हो सकता है कि आप अपने मैकबुक पर अगर सफारी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो सफारी पे आपको जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी उन आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनको यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे आप हाइड कर सकते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ कैसे। तो गाइस देखिए, यहाँ पहले मैं सफारी यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, तो सफारी ओपन करने के यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो सफारी मेरा खुल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखाने के मैंने अपनी वेबसाइट यहाँ पे ओपन करी है जो एप्पल फैन बॉय, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट उसको कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आइकन यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स का, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा। तो अब इसमें क्या है कि कोई सी भी आइटम जो हम चाहते हैं हमें ना दिखे तो वो यहाँ पे हम इसको हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, देखिए एनिमेशन देखिए कितना प्यारा यहाँ पे हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे आप सपोर्ट डन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो देखिए वो आइटम आपकी हाइड हो जाएगी, कंप्लीटली आपको यहाँ पे शो नहीं होगी। तो ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाया है, सपोज मैं आपको कोई और वेबसाइट पे भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो सपोज 9to5 मैक की मैं वेबसाइट यहाँ पे खोल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई सा भी ब्लॉग इनका यहाँ पे खोल लेता हूँ, और सपोज अगर मुझे यहाँ पे ये वाला सेक्शन यहाँ पे नहीं चाहिए तो वापस से मैं यहाँ पे जाऊँगा हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स में यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद जो भी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाना, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं चाहिए, तो ये क्या एनिमेशन कूल सी यहाँ पे एप्पल ने दी है। तो कोई सी भी आइटम यहाँ पे आप हाइड कर सकते हैं, बड़े इजीली आपको जो वो एक डिस्ट्रैक्टिंग आइटम है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो यहाँ पे हट जाएगा, तो आपको ब्राउजिंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा यहाँ पे एनहांस हो जाएगा। और अगर सपोज यहाँ पे डिस्ट्रैक्टिंग हाइट जो आपने यहाँ पे आइटम्स को जो हाइड किया है वापस अगर आपको उनको लाना है तो आपको बस कुछ नहीं करना, वापस से आपको इन आइकन पे क्लिक करना है, उसके आपको आना है शो हिडन आइटम्स पे। जैसे ही शो हिडन आइटम्स पे आप आएंगे तो देखिए फीचर वाला सेक्शन मेरा वापस यहाँ पे आ चुका है, और सिमिलरली मेरा यहाँ पे इस पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस वेबसाइट पे आऊँगा शो हिडन आइटम्स, तो देखिए वापस से ब्लॉग मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो इस मदद से या इस फीचर की मदद से आप कैसे कोई सी भी चीज़ को यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, वापस उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं जैसे ही आपका वो काम यहाँ पे हो जाता है। अब गाइज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ जो यहाँ पे एप्पल ने दिया है, वो यहाँ पे विंडोज स्टाइलिंग। इसमें क्या है गाइज, इससे क्या होता है कि अब तक जो मैक ओएस में क्या था कि अगर सब मल्टीपल विंडोज पर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमें वो चारों विंडोज या पांच विंडोज हमें एक साथ अपने मैकबुक पे एक सिंगल स्क्रीन पे यहाँ पे चाहिए तो हमें वो अरेंज करने में काफ़ी दिक्कत होती थी, और हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे कि या तो हम उसको मिनिमाइज़ कर दें या उसको हम पूरा फुल स्क्रीन पे यूज़ करें, मतलब बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे हमारे पास। पर मैक ओएस सिकोया के अंदर यहाँ पे एप्पल ने और ज़्यादा इसको एनहांस कर दिया है। जहाँ विंडो स्टाइलिंग में क्या होगा, जब भी सपोज आपने मैक के ऊपर चार से पांच स्क्रीन यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको उनको ईजिली यहाँ पे अरेंज करना है तो जैसे आप कोई स्क्रीन को यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आपको एक हल्का टाइल्स टाइप का कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा, उस आप उस टाइल में अपनी विंडो को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे गाइस हम आ चुके हैं मैक की स्क्रीन के ऊपर, तो सपोज मैं कोई से भी यहाँ पे विंडो खोल लेता हूँ, एक मैं यहाँ पे फाइंडर खोल लेता हूँ ठीक है, और बाकी सपोज मैं यहाँ पे कोई सी यहाँ पे मैं कैलेंडर खोल लेता हूँ, और यहाँ पे सपोज मैं एक रिमाइंडर
और गाइस चलिए यहाँ पे मैं कोई सी भी एप्लीकेशन यहाँ पे खोल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेटिंग्स खोल लेता हूँ। सेटिंग्स मैंने खोली, यहाँ पे मैंने ऐप स्टोर खोली। अब अगर सपोज मुझे इन एप्लीकेशंस को अरेंज करना है, यहाँ पे मैं कैसे करूँगा? तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है, जैसे ही आप इस ग्रीन वाले आइकन पे लेकर आएंगे अपने कर्सर को, तो देखिए यहाँ पे कुछ नए हमें चार ऑप्शन मिलते हैं। जहाँ पे अगर सपोज मैं इसको इस पर क्लिक करूँगा, तो देखिए मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो एप्पल ने क्या किया कि मैक और सिकोया ने क्या किया कि ऑटोमेटिकली विंडोज़ को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब जैसे उसको लगा कि कैसे उसको प्लेसमेंट करनी चाहिए, तो यहाँ पे उसने यहाँ पे इसको कर दिया। अब अगर सपोज मैं यहाँ पे और भी ऑप्शन यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो देखिए ये जो विंडो है मेरी ऐप स्टोर की वो साइड में आ चुकी है, बाकी जो विंडोज़ हैं यहाँ पे मेरी ओवरलैप इसको कर रही हैं। बाकी अगर मैं सपोज इसको फॉर एग्जांपल हमें कैलेंडर को करना है, तो यहाँ मैं कैलेंडर पर जाऊँगा, वापस से टाइलिंग पर जाऊँगा, तो देखिए अब कैलेंडर मेरा ऊपर आ गया, बाकी जो विंडोज़ हैं यहाँ पे इसके पीछे यहाँ पे चली गई हैं। तो बाकी गाइस यहाँ पे देखिए विंडोज़ के जो साइज़ है उस पर भी ये चीज़ मैटर करती है। तो अगर सपोज मैं इसका साइज़ थोड़ा यहाँ पे छोटा करने की यहाँ पे मैं कोशिश करूँ, हम यहाँ पे आएंगे इसको, और सपोज मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने छोटा इसको किया और वापस से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर मल्टीपल विंडोज़ को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ईजिली आप इस फीचर की मदद से यहाँ पे टाइलिंग कर सकते हैं अपने विंडोज़ की, और ईजिली बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे उसको अरेंज कर सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट फीचर जो यहाँ पे आता है वो यहाँ पे आता है एयरपॉड्स प्रो के लिए। तो हालांकि मेरे पास फिलहाल अभी एयरपॉड्स प्रो नहीं है, मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, मैं आपको फीचर यहाँ बता देता हूँ। जहाँ पे आप क्या है कि अगर अपने मैकबुक के साथ अपने एयरपॉड्स प्रो को यहाँ पे आप कनेक्ट करते हैं, तो अपने अपने मैकबुक के अंदर यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स में जाकर अपने जो एयरपॉड्स प्रो की जो यहाँ पे सेटिंग्स है उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इवन यहाँ पे एप्पल ने ऑप्शन दे दिया अडैप्टिव ऑडियो का, जहाँ पे अपने मैकबुक की मदद से अपने एयरपॉड्स के जो अडैप्टिव ऑडियो है, अगर आपके पास एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन है, तो अडैप्टिव ऑडियो को यहाँ पे अपने मैकबुक से भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको एक अपनी मैकबुक की स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि वो ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, पर फिलहाल मेरे पास एयरपॉड्स प्रो नहीं है तो मैं आपको लाइव नहीं दिखा पाऊंगा उसके लिए, आई एम सॉरी। बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको नेविगेट करना है। तो यहाँ पे अपनी मैक की स्क्रीन पे मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ पे आपको जाना है सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर। जैसे ही अपने एयरपॉड्स को आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको आना है ब्लूटूथ पे। जैसे ही ब्लूटूथ पे यहाँ पे आप आएंगे, तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई वाले बटन का। तो जैसे आपके एयरपॉड्स यहाँ कनेक्टेड होंगे, तो आपको आई वाले बटन पे क्लिक करना है, और वहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स यहाँ पे दिख जाएंगी, और उसी की मदद से अपने आप एयरपॉड्स प्रो की जो अडैप्टिव ऑडियो यहाँ पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब गाइस हम बात करें नेक्स्ट फीचर की, जो वो भी यहाँ पे आता है एयरपॉड्स प्रो को लेकर। जहाँ एयरपॉड्स प्रो के अंदर अपने हेड गेस्चर, जैसे सपोज यहाँ पे एप्पल ने iOS 18 मैक और सिकोया के अंदर एप्पल ने एयरपॉड्स प्रो के लिए यहाँ पे हेड गेस्चर्स का यहाँ पे सपोर्ट दिया है। इसमें क्या होता है कि आपने सपोज अपने एयरपॉड्स प्रो को यहाँ पे ईयर में लगा रखा है, अगर आपको सपोज सीरी की रिक्वेस्ट को आपको आंसर करना है, तो बिना कुछ बोले बिना कुछ करे अपने एक्शन से, यानी अपने हेड नॉट को, जैसे सपोज सीरी ने पूछा कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने ऐसे किया तो उसका येस, आपने ऐसे किया तो नो, तो अपने आप हेड मतलब अपने हेड की मदद से अपने सीरी को यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और ये चीज़ अपने मैकबुक पे भी यहाँ पे काम करती है। अगर सब अपने एयरपॉड्स प्रो को अपने मैकबुक के साथ यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, और आपको सब सीरी को आपको रिक्वेस्ट यहाँ पे दे रही है, आपको सीरी यहाँ पे कुछ पूछ रही है, तो अपने आप हेड की मदद से यहाँ पे उसको आंसर कर सकते हैं। वही सेम प्रोसेस है कि आपको सिस्टम सेटिंग में जाकर, ब्लूटूथ में जाकर, वहीं पे आपको एयरपॉड्स प्रो में दिख जाएंगे, आई वाले बटन पे क्लिक कर, वहाँ पे आपको हेड गेस्चर को आपको ऑप्शन मिलेगा, उसको ऑन या ऑफ यहाँ पे आप कर सकते हैं। गाइस जो नेक्स्ट फीचर आता है, जो हमारा फिफ्थ फीचर है, वो यहाँ पे दिया एप्पल ने डेवलपर्स के लिए। अगर सब कोई डेवलपर है जो इस वीडियो को यहाँ पे देख रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे खुशखबरी है। जहाँ पे एप्पल ने अपने मैक और सिकोया के अंदर बहुत सारी नई कैपेबिलिटीज दी हैं, जहाँ पे सपोज अगर अपने मैकबुक के लिए या आईफोन के लिए आप गेम्स यहाँ डिज़ाइन करते हैं, तो एप्पल ने और भी आपको ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन दे दिए हैं गेम को अच्छा बनाने के लिए, ग्राफिक्स अच्छे देने के लिए, क्योंकि जो एप्पल की जो सिलिकन चिप्स हैं और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं कि अपने आप हैवी गेम्स को भी इन मैकबुक्स में यहाँ पे रन करा सकते हैं। तो अगर आप मैकबुक से यहाँ पे गेम डिज़ाइन करते हैं, मैक और सिकोया के अंदर आप एक्सकोड को यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो एप्पल ने और ज़्यादा गेमिंग टूल किट आपको यहाँ प्रोवाइड करी है, और टूल किट की मदद से आप अच्छे खासे गेम्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर डेवलपर्स के लिए यहाँ पे एप्पल ने दिया है। बात करते हैं सिक्स फीचर की, जो यहाँ पे आता है नए वॉलपेपर्स। यहाँ पे एप्पल ने कुछ नए डायनेमिक वॉलपेपर्स हमें यहाँ पे दिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कौन से। तो गाइस देखिए हम जाएंगे सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा वॉलपेपर। जैसे ही मैं वॉलपेपर पे आऊँगा, तो देखिए एप्पल ने कुछ कूल वॉलपेपर्स हमें यहाँ दिए हैं। पहले यहाँ पे सिकोया का ऑफिशियल वॉलपेपर, फिर दिया मैकिंटॉश। तो मैकिंटॉश में एप्पल ने क्या किया कि जो एप्पल का फर्स्ट मैक यहाँ रिलीज हुआ था, तो एप्पल ने उसको यूज़ करके बड़ा कूल वॉलपेपर यहाँ पे क्रिएट किया, जहाँ पे इस वॉलपेपर का यहाँ पे कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे कलर यहाँ पे एप्पल ने दिए, अगर मैं रैंडम यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, तो ये कोई भी रैंडम कलर यहाँ पे चूज़ कर लेगा। नेक्स्ट दिया एप्पल ने सिकोया सनराइज़, और यहाँ पे हमें दिया है सिकोया नाइट, सिकोया मॉर्निंग। ऐसे कूल वॉलपेपर्स यहाँ एप्पल ने यहाँ पे दिए हैं। बाकी जो वॉलपेपर्स हैं पुराने ही हैं, जो मैक ओएस सोनोमा में यहाँ पे एप्पल ने दिए थे, तो ये कुछ नए कूल वॉलपेपर्स हैं जो यहाँ पे एप्पल ने दिए हैं इस मैक ओएस सिकोया के अंदर।
अब गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर जो यहाँ पे एप्पल ने दिया अपनी गेमिंग एप्लीकेशन के अंदर, जो यहाँ पे आता है चेस। जहाँ पे मैकबुक के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट गेम मिलता है जो चेस है, आप चेस यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे एप्पल ने कुछ यूआई चेंजेस बस यहाँ पे करे हैं। अगर आप सब अपने मैकबुक के ऊपर चेस यहाँ पे आप प्ले करते हैं तो एप्पल ने उसका थोड़ा यूआई यहाँ पे इंप्रूव कर दिया है, जिसको गोटियाँ बोलते हैं हिंदी में, तो उसको एप्पल थोड़ा यहाँ पे 3D टच यहाँ पे दे दिया, तो कुछ हल्का बहुत यूआई इंप्रूवमेंट किया है, बाकी कोई और यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं है। तो इससे क्या है कि आपको ऐसा लगेगा आप रियल चेस यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, और जो यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे जो मूव करती हैं गेम के अंदर वो बहुत ही रियल यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक सी लगती हैं, यानी रियल लगती हैं। तो अगर आप इस गेम को यहाँ पे प्ले करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब गाइस हम बात करते हैं 8 फीचर जो यहाँ पे आता है सफारी वीडियो व्यूअर। जहाँ पे इसमें क्या है कि अगर आप सब वो सफारी पे कोई सी भी यूट्यूब वीडियो यहाँ पे वॉच करते हैं, कोई सा भी वीडियो कंटेंट यहाँ पे वॉच करते हैं, तो एप्पल ने एक नया फीचर दिया है, इसको बोलते हैं वीडियो व्यूअर। अगर आप इसको यहाँ पे ऑन कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो वीडियो यहाँ पे पॉपअप हो जाती है बाहर, और पूरे स्क्रीन पे आपकी यहाँ पे मैच यहाँ पे हो जाती है, और उससे क्या होता है आपको जो पूरा फोकस यहाँ पे वीडियो की तरफ रहता है, और जो बैकग्राउंड जितनी चीज़ें यहाँ पे वो ब्लर हो जाती हैं। आपको दिखाता हूँ कैसे। तो गाइस सपोज़ ये मेरी यहाँ पे वीडियो, सपोज़ यहाँ पे मेरी की वीडियो यहाँ पे प्ले हो रही है, और अगर मैं यहाँ पे सब क्लिक करूँगा तो अभी फिलहाल मुझे वो ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, डोंट नो व्हाई, कोई बग यहाँ पे है। बट कोई वीडियो यहाँ पे सब प्ले करते हैं तो आपको यहाँ पे एक आइकन यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन होगा वीडियो व्यू होगा, जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो वीडियो की पॉपअप होकर बाहर आ जाती है, और आपका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे वो ब्लर हो जाता है। तो इससे क्या होता है आपको जो फोकस है वो यहाँ पे वीडियो पे रहता है, और इससे आपका वीडियो का जो देखने का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे कहीं गुना यहाँ पे एनहांस हो जाता है। अब गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर जो यहाँ पे आता है, मूव एंड रिसाइज विंडोज़ कंट्रोल। जहाँ पे मैं आपको जो अभी शुरू में दिखाया था विंडोज स्टाइलिंग का, तो इसका एक और नया तरीका जहाँ पे एप्पल ने यहाँ पे दिया है। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ अपनी मैक की स्क्रीन पर ले जाकर, तो सपोज हम यहाँ पे मैक की स्क्रीन पर यहाँ पे आ चुके हैं, और अगर सपोज मैं सफारी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और इसके साथ मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कैलेंडर, ठीक है। अब सपोज सफारी में हम जैसे यहाँ पे जाएंगे विंडो के ऊपर, तो यहाँ पे हमें नया ऑप्शन यहाँ पे एप्पल ने दिया जो है मूव एंड रिसाइज। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्रोल यहाँ पे मिलते हैं अपनी विंडोज़ यहाँ पे अरेंज करने के लिए। तो सपोज़ मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ टॉप लेफ्ट, जैसे टॉप लेफ्ट में क्लिक करूँगा देखिए टॉप लेफ्ट पे आ गया, और अगर कैलेंडर को सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ टॉप राइट, तो देखिए ये टॉप राइट में यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से भी आप कोई सी विंडो यहाँ पे अरेंज यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ नए कंट्रोल्स हैं जो एप्पल यहाँ पे दिए हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करके, और यहाँ पे विंडो वाले बटन पे भी क्लिक करके यहाँ पे मूव एंड रिसाइज यहाँ पे कर सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट फीचर यहाँ पे जो आता है वो यहाँ पे आता है फ्री फॉर्म ऐप के अंदर। जहाँ सपोज अगर आप आईपैड है आपके पास, मेनली ये एप्लीकेशन यूजफुल उसी पे ही है, पर एप्पल ने सब यहाँ मैकबुक में आईफोन में आईपैड में यहाँ पे दे दिए। तो अगर फ्री फॉर्म एप्लीकेशन यहाँ पे आप यूज़ करते हैं, आप सीनरीज यहाँ पे क्रिएट करते हैं, बहुत सारे आप टास्क यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे एप्पल ने एक नया ऑप्शन दिया है सीनरी का। सीनरी में क्या होता है कि सपोज जो भी आपके लेयर्स हैं, जो भी आपके पेजेस जिस पे आपने वर्क किया है पेजेस के अंदर, तो पेजेस आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का यहाँ पे स्क्रीन का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, और सीन वाले ऑप्शन जैसे आप जाएंगे तो जो भी आपने पेजेस यहाँ पे क्रिएट करे होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। जैसे सपोज फोटोशॉप में लेयर्स होती हैं, तो एक काइंड ऑफ यहाँ पे लेयर ही है कि जहाँ पे आपको दिख जाता है, और उस लेयर को आप ईजी यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, पेजेस के बीच में आप स्विच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक ईजी फीचर यहाँ पे एप्पल ने दिया है। अब गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर जो हमारा 11th फीचर है, ये एप्पल ने दिया है नोट्स एप्लीकेशन के अंदर। इस साल एप्पल ने नोट्स एप्लीकेशन को कई गुना यहाँ पे एनहांस किया है, बिकॉज बहुत सारे कूल फीचर्स हमें मिलते हैं, और आगे जाके मैकओएस सिकोया 15.1 के अंदर बहुत सारे AI फीचर्स भी यहाँ पे मिलने वाले हैं, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर, उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे कर लीजिएगा। तो जो इसमें फीचर यहाँ पे एप्पल ने दिया है वो यहाँ पे दिया है कोलैप्स सेक्शंस। जहाँ सपोज आप नोट्स के अंदर आपने देखा होगा हम हेडिंग सब हेडिंग यहाँ पे लिखते हैं, हमारा एक फॉर्मेट यहाँ पे बना होता है। तो अब क्या है कि जो आपके जो भी सपोज आपकी मेन हेडिंग होगी उसके नीचे जो आपकी सब हेडिंग होगी उसके नीचे आपको जो बॉडी होगी, तो आपको जो मेन हेडिंग है उसके आपको एक एरो दिखेगा जिससे आपने सेक्शन यहाँ पे कोलैप्स कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे हम जाएंगे सपोज मेरी मैक की स्क्रीन के ऊपर, तो जैसे ही यहाँ सपोज नोट्स में ओपन कर लेता हूँ, तो देखिए ये मेरी हेडिंग है, उसके नीचे मेरे यहाँ पे सब हेडिंग है। और सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हम जाएंगे हेडिंग के ऊपर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको लेते हैं हेडिंग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं दूंगा सब हेडिंग लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा देखिए एरो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले एरो पे जैसे मैं बंद करूँगा तो देखिए मेरा यहाँ पे बंद हो गया, इसको नीचे खोलूँगा तो यहाँ पे मेरी जो सब टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। अब सपोज यहाँ पे अगर मैं बॉडी यहाँ पे डाल दूँ प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे अब सपोज अब देखिए
ये था मेन हेडिंग, जैसे मैं उसको बंद किया तो सब कुछ यहाँ बंद हो गया। अब अगर सपोज सब हेडिंग के अंदर आपने कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, आपको सिर्फ सब हेडिंग को यहाँ पे बंद करना है, तो सब हेडिंग मैंने यहाँ पे बंद करी, देखिए मेरी से बॉडी यहाँ पे बंद हो चुकी है। तो आपको कुछ ये कोलैप्स सेक्शन जैसे आपको एरोज मिलते हैं, इससे क्या कि अगर बहुत बड़ा आपका डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़े आपने नोट्स आपने लिखे हुए हैं, तो मल्टीपल जो सपोज जो हेडिंग पे आपको फोकस करना है, जो हेडिंग आपको पढ़नी है, तो इस फीचर की मदद से आप इजीली यहाँ पे इसको बंद इजीली यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं और बाकी जो यहाँ पे हेडिंग्स को यहाँ पे आप बंद कर सकते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं 12 फीचर के बारे में जो यहाँ पे एप्पल ने नई एप्लीकेशन दी है सभी प्लेटफॉर्म्स के, जो है नई पासवर्ड्स एप्लीकेशन, जहाँ पे क्या है कि इस पासवर्ड एप्लीकेशन के आने से जो भी आगे पासवर्ड्स हैं, पास कीज हैं, उनको ईजिली यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। तो मैं पासवर्ड एप्लीकेशन आपको खोल के नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज मैं कुछ पासवर्ड्स प्राइवेसी की वजह से, पर जब भी अपने मैकबुक के ऊपर आप जाएंगे तो आपको पासवर्ड वाली नई एप्लीकेशन यहाँ पे मिलेगी, और जब भी आप उसको यहाँ पे ओपन करेंगे जितने भी आपके आईक्लाउड कीचेन्स हैं, आपके पास कीज हैं, आपके पासवर्ड्स हैं, आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो सब उसमें यहाँ पे सेव्ड होंगे, ईजिली यहाँ पे उसको मैनेज आप कर सकते हैं। जहाँ पहले क्या था कि पहले हम अपने आईफोन में मैकबुक के अंदर हम सिस्टम सेटिंग में हमें ऑप्शन मिलता था पासवर्ड्स का, पर एप्पल ने एक अलग से यहाँ पे ऐप दे दी ताकि ईजिली आप उसको यहाँ पे मैनेज कर पाएं। तो पासवर्ड एप्लीकेशन इज अ वेरी गुड ऐप। अब गाइज कमाल का फीचर यहाँ पे आता है, जो यहाँ पे आता है आईफोन मिररिंग, जहाँ पे ये बहुत ही कूल फीचर था मैक और सिकोया के। अगर सपोज आपका आईफोन आपके पास नहीं है, जैसे वो मेरा यहाँ पे आईफोन 15 है, मेरा आईफोन 15 यहाँ पे बिल्कुल इनएक्टिव है, मैं इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और अगर सपोज मुझे अपने फ़ोन को यूज़ करना है बिना उसको ऑन करे, तो मैं अपने मैकबुक के ऊपर उस फोन को यहाँ पे मिरर कर सकता हूँ। आइए आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे हम चलेंगे मेरी मैक की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आईफोन मिररिंग का, यहाँ पे एक एप्लीकेशन यहाँ पे मिली है, और जैसे अपने मैक को इसको यहाँ पे अपडेट करेंगे सिकोया के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली आपके डॉक के अंदर यहाँ पे आ जाती है। तो इस आपको यहाँ पे इसको क्लिक करना है। जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए मेरे सामने नया पॉपअप यहाँ पे खुल चुका है, जहाँ पे हम अपने आईफोन को मैक पे इजीली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने आईफोन की ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं, आईफोन के नोटिफिकेशंस को रिएक्ट कर सकते हैं, और हमें अपने आईफोन तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज मेरा आईफोन मेरे बैग के अंदर भी रखा हुआ है और मैकबुक के ऊपर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो ईजिली वायरलेस यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं अपने आईफोन का पासवर्ड डाल देता हूँ, यहाँ मैं अपने आईफोन का यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, अलाउ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आईफोन मिररिंग इज़ रेडी टू यूज़, गेट स्टार्टेड पे हम जाएंगे, यहाँ पे अपनी मैं टच आईडी लगा देता हूँ, तो इसका हम वेट करते हैं। अब देखिए मेरे आईफोन यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे आ चुका है, ना मुझे अपने आईफोन को साथ कैरी करने की नीड है, ना मुझे कुछ नीड है, बस मेरा आईफोन वाईफाई से कनेक्टेड यहाँ पे होना चाहिए, सेम एप्पल आईडी पे होना चाहिए, और मैं इजीली अपने आईफोन को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। जहाँ से वो कोई सी भी एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे यूज़ करनी है, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। मुझे अगर वो एप्पल म्यूज़िक यहाँ पे ओपन करना है, तो एप्पल म्यूज़िक यहाँ पे मैं ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ कंट्रोल्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, इस पर क्लिक करूँगा तो आपकी रिसेंट एप्लीकेशन यहाँ पे खुल जाएंगी। तो यहाँ पे इजीली बड़े इजी तरीके से यहाँ पे अपने आईफोन को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मतलब बहुत ही कमाल का फीचर जो मुझे लगा, और ये फीचर के आने से हम अपने आईफोन, सपोज कभी कभी क्या होता है कि हम ऑफिस में होते हैं, हमें अपने मैकबुक के साथ अपने आईफोन को भी यूज़ करना होता है, तो अब इसकी मदद से हमें बार बार अपने आईफोन को अनलॉक करने की नीड नहीं है, अपने आईफोन को इस पर हमने मिरर किया और बड़ी ईजिली यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं 14 फीचर के बारे में जो यहाँ पे एप्पल ने दिया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, जहाँ पे सपोज जब भी हम अपने मैक के ऊपर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शुरू हो जाती है, पर मैक और सिकोया के अंदर यहाँ पे एप्पल ने कुछ नई एनहांसमेंट्स यहाँ पे करी हैं कि जब भी सपोज अपने मैक के ऊपर कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, या सपोज आप गूगल मीट यहाँ पे आप यूज़ करते हैं, जूम यहाँ पे आप यूज़ करते हैं, कोई सा भी सॉफ्टवेयर जिसमें आपको अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर करनी पड़ रही है और कि स्क्रीन यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, तो उस केस में आपको कुछ यहाँ पॉपअप दिखेगा। मैं स्क्रीन पे आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ पॉपअप आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या कि आपसे पूछेगा, आपको बताएगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि अपनी स्क्रीन को यहाँ पे आप शेयर करें या फिर अपने डेस्कटॉप को यहाँ पे आप शेयर करें, तो ये आपको ये परमिशन यहाँ पे दिखाएगी। उसके बाद आपके दो ऑप्शन यहाँ पे होंगे कि ये जो परमिशन यहाँ पे जो मांग रही है कोई सी भी एप्लीकेशन, तो वो खाली एक दिन के लिए इसको एक मंथ के लिए यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकती है, या अगर उसको यहाँ पे कस्टमाइज करना चाहते हैं तो सिस्टम सेटिंग में जाकर आप उस ऐप के यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये कहने को ये प्राइवेसी फीचर है जो यहाँ पे एप्पल ने दिया है, बहुत ही अच्छा फीचर है। इससे क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन अनवांटेड तरीके से हमारे बिना परमिशन के हमारी स्क्रीन को यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएगी या स्क्रीन को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी, तो इससे प्राइवेसी का जो लेवल है यहाँ पे बिल्कुल अप यहाँ पे चला जाता है। अब गाइस बात करते हैं 15 फीचर के बारे में जो यहाँ पे एप्पल ने दिया है नोटिफिकेशंस को लेकर, जहाँ पे मैं आपको अभी बताया था कि अपने आईफोन की जो स्क्रीन है यहाँ पे मिरर कर सकता है अपने मैक के ऊपर, आप अपने आईफोन को मैक के ऊपर इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो अब जो आईफोन की जो नोटिफिकेशन है उनको भी आप मैक के ऊपर यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ गाइस हम जाएंगे सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर, यहाँ पे हम जाएंगे नोटिफिकेशंस के अंदर, यहाँ पे मैं जैसे ही आऊँगा देखिए हमें ऑप्शन मिल रहा है अलाउ नोटिफिकेशन फ्रॉम आईफोन,
तो अगर सपोज़ मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा तो जो भी सपोज़ मेरे आईफोन पे नोटिफिकेशन आएंगे वो मेरे मैकबुक के ऊपर यहाँ पे नहीं आएंगे, पर अगर मैं इसको यहाँ पे ऑन कर दूंगा तो जो भी नोटिफिकेशन मेरे आईफोन के ऊपर होंगे वो सारे नोटिफिकेशन मेरे मैकबुक के ऊपर भी आएंगे। तो इससे क्या है कि कोई सा भी नोटिफिकेशन आपको मिस नहीं होगा, चाहे वो मेल का हो, चाहे वो थर्ड पार्टी ऐप हो, कुछ भी हो, वो सारे नोटिफिकेशन आपको अपने मैक के ऊपर भी देखने को मिलेंगे। तो ये भी बहुत एक थम्सअप वाला फीचर जो मुझे एप्पल को बोलना था, क्योंकि अब इससे क्या है कि कभी कभी क्या होता है मीटिंग्स में होते हैं हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, हम अपने आईफोन को चेक नहीं कर पाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस कुछ यहाँ पे चीज़ें हमें छूट जाती हैं। तो अब इस फीचर की मदद से कोई सा भी मतलब कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी हमारा काम यहाँ पे मिस नहीं होगा। अब गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में जो यहाँ पे ऐप ने दिया है पासवर्ड्स एप्लीकेशन को लेकर, जहाँ पे सपोज अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पासवर्ड्स एप्लीकेशन है बार बार आपको यहाँ पे ओपन ना करनी पड़े, इजीली आप उसको मेन्यू बार से एक्सेस कर पाए, तो आपको ये भी ऑप्शन यहाँ पे ऐप ने दिया है। जहाँ पे हम सपोज जाते हैं मेरी मैक की स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड एप्लीकेशन जब यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है सेटिंग्स के ऊपर। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका मैक आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपको वो देना है, उसके बाद यहाँ पे ऐसी स्क्रीन यहाँ पे आपको दिखती है। तो सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा शो पासवर्ड्स इन मेन्यू बार, तो यहाँ पे देखिए चाबी जैसा आइकन मुझे यहाँ पे मिल चुका है, जो भी मेरे पासवर्ड्स हैं मैं उसको अनलॉक नहीं कर रहा हूँ बिकॉज प्राइवेसी की वजह से, पर जो भी आपके पासवर्ड्स होंगे वो आपको यहाँ पे ईजिली यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आपके को अगर सपोज आपके मैक के ऊपर टच आईडी है, नॉर्मल पासवर्ड है, यहाँ पे आप ईजिली डाल के इनको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अब गाइज बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में जो यहाँ पे एप्पल ने दिया है एप्पल नोट्स के अंदर, फिर से एप्पल नोट्स, जहाँ पे गाइज आप अपने एप्पल नोट्स के अंदर कोई से भी टेक्स्ट को यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर सपोज आप मेनली जो नोट्स एप्लीकेशन आईपैड के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल है बिकॉज हम उसमें एप्पल पेंसिल भी यहाँ पे यूज़ करते हैं नोट्स लेने के लिए, तो अगर सपोज आपने कुछ नोट्स यहाँ पे लिखे हैं, अगर आपको सपोज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट लाइंस आपको यहाँ पे हाईलाइट करनी है तो वो यहाँ पे ऑप्शन एप्पल ने दे दिया। तो वो यहाँ पे देखते हैं इसको हमें कैसे करना है। तो सपोज हम यहाँ पे जाएंगे अभी नोट्स एप्लीकेशन के अंदर, मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पे ओपन किया तो देखिए यहाँ पे हमें ए वाले आइकन पे यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको हल्का सा डॉट यहाँ पे दिख रहा है, इस डॉट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कोई से भी टेक्स्ट को यहाँ पे हम हाईलाइट यहाँ पे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे इस वाले टेक्स्ट को यहाँ पे करना है, उसको मैं सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं जाऊँगा कलर पे और मैं जाऊँगा यहाँ पे ऑरेंज। तो देखिए मेरा टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। अगर सपोज मुझे इसको करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा वापस और यहाँ पे हम जाएंगे सपोज मैं पर्पल ले लेता हूँ, तो देखिए मेरा टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। तो आप हाईलाइट भी यहाँ पे कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मिस ना हो, और जब भी आपका एग्जाम है या आपकी मीटिंग है मीटिंग नोट्स हैं तो ईजिली यहाँ पे उनको आप एक्सेस कर पाएँ, बहुत जल्दी यहाँ पे उसको रीड आप कर पाएँ। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जो यहाँ पे आता है आईफोन मिररिंग को लेकर ही, जहाँ पे सपोज अगर आपके पास घर में एक से ज़्यादा आईफोन है, सपोज आपके दो आईफोन्स हैं और दोनों आईफोन्स पे आपकी डली हुई है एप्पल आईडी। अब अगर सपोज आपको आईफोन मिरर यहाँ पे करना है तो कौन से आईफोन को यहाँ पे करना है, कैसे करना है। अगर सपोज मेरे पास आईफोन 15 है या मेरे पास आईफोन 14 है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बार पहले आईफोन 14 को करना है फिर आईफोन 15 को करना है, तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ मैक के डेस्कटॉप के ऊपर, फिर हम जाएंगे सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद यहाँ पे मैं आऊँगा डेस्कटॉप एंड डॉक के अंदर, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा आईफोन विजेट्स का, यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं। तो देखिए विजेट्स का आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन, जब भी आपके पास एक से ज़्यादा यहाँ पे आईफोन होंगे तो यहाँ पे आपका मैक आपको पूछेगा, आपको एक ऑप्शन दिखेगा विच आईफोन टू मिरर, तो वहाँ पे अपना आईफोन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आईफोन यहाँ पे मिरर करना चाहते हैं वो बड़ी ईजिली यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिलहाल मुझे वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास खाली एक ही आईफोन है, पर आपके पास मोर देन वन आईफोन है जिनको मिरर यहाँ पे करना चाहते हैं तो ईजिली यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हैं। गाइस बात करते हैं 19 फीचर के बारे में जो यहाँ पे आता है सफारी को लेकर, जहाँ पे एप्पल ने सफारी के अंदर एक ऑप्शन दिया था हाइलाइट्स का, जहाँ सपोज जब भी मैं आपको वो एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाता हूँ पर स्क्रीन पे, देखिए एक यहाँ पे पर्सन है जिन्होंने यहाँ पे सर्च किया एक होटल के बारे में, तो सफारी ने उनको एक हाईलाइट यहाँ पे दिखाया लोकेशन को लेकर। तो सफारी क्या है कि जो भी आप यहाँ पे ब्राउजिंग कर रहे हैं, जो भी सपोज आपकी एक्टिविटी है, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे हाईलाइट्स यहाँ पे सफारी दिखाएगा जिससे कि आप उनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज यहाँ पे आप कोई न्यूज़ यहाँ पे आप रीड कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई हाईलाइट यहाँ पे है, यहाँ सपोज सफारी आपको दिखाएगा, कोई लोकेशन यहाँ पे आप सर्च करें तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ दिखा देगा। तो अब एक काइंड ऑफ एक यूजफुल फीचर हो सकता है अगर सपोज आपको यहाँ पे होटल यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको लोकेशन यहाँ पे जाननी है और सफारी ने आपको हाईलाइट्स के अंदर उस लोकेशन को यहाँ पे दिखा दिया है, तो देखिए कितना ईजी आपके लिए हो गया। आपको गूगल पे जाके गूगल मैप को यहाँ पे सर्च करने की नीड नहीं है, सफारी ने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया। तो ये काइंड ऑफ यूजफुल फीचर भी है और काइंड ऑफ नहीं भी है, तो वो आपके यूजेज यहाँ पे डिपेंड करता है, बट मैंशनिंग यहाँ पे इसको करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। अब गाइस बात करते हैं हमारे 20th फीचर के बारे में जो यहाँ पे आता है कि अब जो भी आपकी टाइटल विंडोज़ हैं, सब वो जो भी विंडोज़ यहाँ पे अपने अरेंज करी हैं अपने मैक के ऊपर जो मैं आपको पीछे यहाँ पे दिखाया है, तो आप उनके मार्जिन यहाँ पे कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे अपनी मैक की स्क्रीन के ऊपर, जैसे मैं अपनी मैक की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे जाऊँगा सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, फिर जाऊँगा डेस्कटॉप एंड डॉक के अंदर, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैं डेस्कटॉप एंड डॉक पे यहाँ पे आऊँगा तो मैं हल्का सा यहाँ पे नीचे आना है, तो जैसे ही मैं नीचे आऊँगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है विंडोज़ के अंदर टाइटल विंडोज़ हैव मार्जिन्स,
जैसे अगर सपोज मैं इसको बंद करूंगा तो जो भी विंडोज आपके यहाँ पे अरेंज होंगी उनमें आपको मार्जिन शो नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक कहीं भी यहाँ पे फैल के यहाँ पे लग जाएंगी। तो इसका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑन रखिए ताकि मार्जिन, मतलब कि अगर एक विंडो, अगर चार विंडो आपकी एक स्क्रीन पे अरेंज है तो उनके बीच में मार्जिन, इक्वल मार्जिन हो, चिपकी भी ना हो एक दूसरे से, तो ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप यहाँ पे बंद इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे इजीली बड़े तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब गाइस आपको देखिए, हमने टोटल यहाँ पे 20 फीचर्स यहाँ पे कवर कर ली हैं। अब अगर सपोज आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे और ऐसी मोटिवेशन मिले आपकी वीडियोज़ यहाँ पे बनाने के लिए। अब गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ जो यहाँ पे आता है मैथ्स नोट्स, जो ये भी बहुत एक कमाल का फीचर है जो यहाँ पे एप्पल ने अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे दिया है, जहाँ पे अब अपनी एप्पल के कैलकुलेटर ऐप के अंदर आपको बहुत सारे कुल नए ऑप्शन मिलते हैं, एप्पल ने पूरा रीडिज़ाइन यहाँ पे किया है। तो अब क्या है कि आप सपोज अपनी मैथ्स की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो बड़े इजीली यहाँ पे आप कर सकते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ कैसे। तो हम यहाँ पे आएंगे मेरे मैक की स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ कैलकुलेटर, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे आना है। इसको मैं हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है बेसिक और साइंटिफिक। साइंटिफिक पे मैं आऊँगा तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर सपोज मैं यहाँ पे आऊँगा प्रोग्रामर के ऊपर, तो अगर आप सपोज कोई प्रोग्रामिंग यहाँ पे आप करते हैं, आप यूनिकोड या बाइनरी कोड जो भी आप लिखते हैं तो वो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो बड़े इजीली आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी कोडिंग में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा। उसके बाद मैं आऊँगा मैथ्स नोट्स के अंदर, तो मैथ्स नोट्स में क्या है कि हमारे यहाँ पे मैथ्स नोट्स का एक फोल्डर यहाँ पे सब मैंने बना रखा है, तो हमारे एक नोट्स एप्लीकेशन यहाँ पे खुल जाएगी। इसका मतलब एप्पल ने कैलकुलेटर को नोट्स ऐप के साथ यहाँ पे इसको इंटीग्रेट यहाँ पे कर दिया है। अब अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको कमांड देता हूँ कन्वर्ट 210 kg टू ग्राम्स, देखिए ऑप्शन मेरे सामने इंस्टेंट रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, जो यहाँ पे टू, देखिए एनिमेशन देखिए कितनी प्यारी एनिमेशन है, एक एप्पल इंटेलिजेंस वाली एनिमेशन है। तो देखिए यहाँ पे आ गया 210,000 ग्राम्स। अब अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको कोई इक्वेशन देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 23,000 प्लस 32,000 प्लस 23.0098, सो कुछ भी एप्लीकेशन यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, इक्वल्स टू इंस्टेंट रिजल्ट। और टैब पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, देखिए कितनी कूल एनिमेशन यहाँ पे लगती है और हमारे सामने इंस्टेंट विद इन मिली सेकेंड यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आप सपोज स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं या आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कहाँ पे कर रहे हैं, आपको मैथ्स के यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करनी है, कोई इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करनी है, तो मैथ्स नोट्स यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो फीचर है ये बहुत सारे स्कूल टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन सकती है, क्योंकि जो लोग घर पे यहाँ पे बच्चे होमवर्क करते हैं तो मैकबुक ही सारों को होमवर्क यहाँ पे करके दे देगा। तो जो भी बेसिक कैलकुलेशंस हैं, जो भी टफ कैलकुलेशंस हैं, वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी सपोज लॉजिक यहाँ लिखना चाहते हैं या सपोज आप कोई भी रूट्स जैसे मैथ्स में रूट्स यहाँ पे यूज़ करते हैं तो बड़े ईजिली आपको यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे दे देगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में जो यहाँ पे आता है एयर ड्रॉप को लेकर, जहाँ पे एप्पल ने एयर ड्रॉप को जो इंटरफेस है यहाँ पे बिल्कुल चेंज कर दिया है। जहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिखा रहा हूँ, जैसे इसको यहाँ पे देखेंगे तो देखिए एप्पल ने एयर ड्रॉप की जो एक इंटरफेस है जो स्क्रीन यहाँ पे कितनी अच्छी कर दी है, जहाँ पे आपको जिसको भी आप एयर ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको उस पर्सन का प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे दिखेगा, क्या फाइल आप शेयर कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिखेगा, नीचे आपको प्रोग्रेस बार दिखेगा। ये पहले चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती थी, पहले ऑप्शन में क्या था कि पहले मैक ओएस में कि जो भी आपको फाइल यहाँ रिसीव है सेंड आप कर रहे हैं तो आपके प्रोफाइल के ऊपर ही आपको सर्कल देखने को मिलता था, पर अब एप्पल ने प्रोग्रेस बार को अलग से यहाँ पे दे दिया ताकि ईजी यहाँ पे उसको आप यहाँ पे ट्रैक कर पाए। अब गाइस बात करते हैं आईफोन मिररिंग को लेकर, तो आईफोन मिररिंग के अंदर आपको कुछ नए कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं जो मैं आपको शुरू में यहाँ पे दिखाए हैं कि आप उन कंट्रोल्स को यूज़ कर आप यहाँ पे बड़े इजी तरीके से आप अपने आईफोन की स्क्रीन को यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं। तो आप वापस से उस चैप्टर पे जा सकते हैं और उन कंट्रोल्स को यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर जो यहाँ पे एप्पल दिया है फेस टाइम के अंदर, जहाँ पे सपोज अगर फेस टाइम के अंदर आप सब कॉल पर है किसी के साथ, आपने अपनी स्क्रीन को यहाँ पे शेयर किया हुआ है, तो आपको एप्पल ने कुछ नए ऑप्शन दिए हैं जूम और गूगल मीट की तरह। हालांकि एप्पल हर फीचर को ऐसे शो केस करता है कि क्या ही आप यहाँ एप्पल ने कर दिया, बट बहुत लेट यहाँ पे एप्पल करता है, बट करता है। तो इस पे क्या है कि सपोज अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप स्क्रीन यहाँ पे कौन सी शेयर करना चाहते हैं, यानी कि आप यहाँ पे फुल स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक विंडो यहाँ पे आप शेयर करना चाहते हैं, तो ये फीचर भी एप्पल ने फेस टाइम के अंदर यहाँ पे दे दिया है। तो ये हालांकि फीचर जूम और गूगल मीट पे है, पर एप्पल ने फेस टाइम में इसको अब इंप्लीमेंट किया है। तो अगर फेस टाइम यहाँ पे यूज़ करते हैं वीडियो कॉल्स के लिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, तो ये बहुत यूजफुल फीचर आपके यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट फीचर भी यहाँ फेस टाइम से रिलेटेड है, जहाँ पे एप्पल ने कुछ नए कूल यहाँ पे बैकग्राउंड्स हमें फेस टाइम के लिए यहाँ पे दिए हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको फोटो दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे एप्पल ने बहुत सारे कूल नए हमें यहाँ पे बैकग्राउंड्स दिए हैं, जहाँ जो भी यहाँ पे बैकग्राउंड्स सारे यहाँ पे एप्पल पार्क के हैं। तो अगर एप्पल पार्क के सपोज जो भी बैकग्राउंड यहाँ पे आप देखना चाहते हैं यहाँ पे आप लगा सकते हैं अपनी वीडियो के पीछे, और बड़े ईजी तरीके से यहाँ पे किसी को भी बेवकूफ यहाँ पे आप बना सकते हैं। जस्ट जोकिंग, कोई सी अच्छा खासा बैकग्राउंड यहाँ पे आप लगा सकते हैं।
अब गाइस नेक्स्ट फीचर जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा फीचर है जो आपके वाईफाई से रिलेटेड है। अगर सपोज़ आपने घर में जो भी वाईफाई घर में ऑफिस में पब्लिक वाईफाई अगर यहाँ पे आप यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे एप्पल ने एक ऑप्शन दिया है वाईफाई एड्रेस को यहाँ पे प्राइवेट करने का, आप इसको फिक्स करने का। आइए दिखाता हूँ कैसे। तो हम जाते हैं सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, फिर जाएंगे वाईफाई के अंदर और यहाँ पे सब कोई सा भी वाईफाई मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज़ ये वाला कर लेता हूँ। फिर जाऊँगा यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर तो नया हमें ऑप्शन मिलता है प्राइवेट वाईफाई एड्रेस। यहाँ पे आप जाएंगे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं फिक्स्ड या रोटेटिंग। अगर आपने इसको फिक्स पे किया हुआ है तो इससे क्या है कि कोई भी थर्ड पार्टी डेवलपर या थर्ड पार्टी वेबसाइट जो भी आपकी एप्लीकेशन आप अपने मैक पे यूज़ कर रहे हो उस वाईफाई के थ्रू तो जो भी वो एप्लीकेशन है जो भी उसका कोड है जो भी उस डेवलपर ने यहाँ पे लिखा है तो वो कोई भी एप्लीकेशन है कोई भी वेबसाइट आपको यहाँ पे क्रॉस ट्रैक यहाँ पे नहीं कर पाएगी, ना आपको इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर पाएगी, आपके वाईफाई के थ्रू कुछ भी यहाँ पे ट्रैक नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत ही कूल प्राइवेसी फीचर यहाँ पे एप्पल ने दिया है और आई थिंक विंडोज़ में भी ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए ताकि विंडोज़ यूजर्स भी यहाँ पे इसको सेफ यहाँ पे फील कर सकें और एंटीवायरस को यहाँ पे यूज़ ना करें। अगर आप इसको रोटेटिंग पे करते हैं तो उससे क्या है कि आपकी जो क्रॉस साइड जो ट्रैकिंग है वो यहाँ पे चलती रहेगी और आपका जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे शेयर होती रहेगी। तो अभी ये जो फीचर है ये हो सकता है कि फेसबुक को या फिर कुछ ऐसे गूगल को स्पेशली जो गूगल एड्स रन करते हैं जो फेसबुक एड्स जो रन करते हैं जो फेसबुक या गूगल हमारी जो एक्टिविटी को यहाँ पे ट्रैक करते हैं कि और उसके बेसिस में यहाँ पे एड्स दिखाते हैं ये फीचर जो हो सकता है उन लोगों को यहाँ परेशान कर सकता है ताकि प्राइवेसी यहाँ पे इससे और ज़्यादा यहाँ पे एनहांस हो जाती है। अब गाइस नेक्स्ट फीचर यहाँ पे आता है वॉइस नोट्स के अंदर, जहाँ पे नोट्स के अंदर आप अपनी कोई सी भी ऑडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं और ईजिली आपकी वो ट्रांसक्राइब भी यहाँ पे हो जाती है। तो आपको आइए दिखाता हूँ कैसे इसको करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे अपनी मैक की स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मैं नोट्स एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा कोई सी भी सब क्विक नोट्स पे हम चले जाते हैं और यहाँ पे सब मैं एक नोट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब अगर सपोज़ यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वाला वेव जैसा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक न्यू रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ चुकी है। सब मैं रिकॉर्ड यहाँ पे करता हूँ। हेलो गाइस हाउ आर यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इसको मैंने यहाँ पे पॉज किया, उसके बाद इसको हम डन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है जहाँ पे आता है हेलो गाइस हाउ आर यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो इससे क्या है कि सपोज आप मीटिंग में है, फॉर एग्जांपल मीटिंग में आपको मीटिंग यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, आपने रिकॉर्ड पूरी कर ली है, अब आपको सपोज को रीड करना है, आपको मीटिंग नोट्स यहाँ पे निकालने हैं तो इस ट्रांसक्रिप्ट की मदद से यहाँ पे इजीली यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब आगे के मैकOS के अपडेट्स के अंदर में एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट भी यहाँ देखने को मिलेगा तो उससे ये चीज़ और ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। आपने आप AI की मदद से इन चीज़ को आप प्रूफ रीड भी करा सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे करा सकते हैं, पर फिलहाल अभी आप इसको ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 28 फीचर के बारे में जो यहाँ पे एप्पल ने थर्ड जो हम वेब एप्स यहाँ पे यूज़ करते हैं तो उसमें एप्पल ने एड ब्लॉकर का सपोर्ट यहाँ पे दे दिया है। अगर सपोज सफारी के अंदर कोई भी वेब एप्लीकेशन यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर कोई भी एड ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर एड ब्लॉकिंग एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो आपके वो वेब एप्लीकेशन के अंदर भी यहाँ पे काम करेगा। जैसे पहले क्या था कि जो वेबसाइट्स हम यहाँ पे ब्राउज़ कर रहे हैं उस पर अगर हमें कोई एड ब्लॉकर लगा रखा है तो वेबसाइट पर वो चलता है, पर जैसे वेब ऐप को यहाँ पे यूज़ करते हैं वो चीज़ यहाँ पे इनएक्टिव हो जाती है। पर वेब ऐप के अंदर भी आप यहाँ पे कंटेंट ब्लॉकर्स को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं ताकि वेब ऐप के अंदर भी आपको यहाँ पे कोई सा भी ऐड फालतू की वीडियो यहाँ पे आपको ना दिखे। गाइस नेक्स्ट फीचर यहाँ पे आता है कि यहाँ पे ना एप्पल ने जो विंडोज़ के जो टाइटल बार्स होते हैं तो उसमें कुछ कस्टमाइजेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी मैक की स्क्रीन के ऊपर तो गाइस हम जाएंगे सपोज सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे डेस्कटॉप एंड डॉक के अंदर तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है डबल क्लिक का विंडोज़ टाइटल बार। तो यहाँ पे तो एप्पल ने नए ऑप्शन दे दिए डू नथिंग मिनिमाइज या फिल। तो अगर सपोज मैं मिनिमाइज में यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखिए ये ऐसे यहाँ पे मिनिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ जूम सपोज फिल के अंदर, मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करूँगा, देखिए ये फिल्म है, ये एप्लीकेशन आपकी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे इजीली इसको कस्टमाइज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर मैं डू नथिंग पे करूँगा तो अगर मैं इस पर डबल टैप करूँगा कुछ नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ पे करूँगा तो देखिए ये मेरी यहाँ पे मिनिमाइज़ हो जाएगी। तो ये भी आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपने डबल क्लिक किया और डबल क्लिक्स को भी यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट फीचर यहाँ पे जो एप्पल ने दिया है वो दिया है होवर टाइपिंग। जहाँ सपोज जब भी आप टाइप यहाँ पे करते हैं तो अपने टेक्स्ट को यहाँ पे होवर, जब भी आप माउस उस पर होवर करेंगे तो जो टेक्स्ट का जो साइज़ में जो टेक्स्ट की जो विजिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे अपनी मैक की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी फीचर के अंदर। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी हमारा कहाँ गया, ये रहा। तो जैसे एक्सेसिबिलिटी का यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा होवर टेक्स्ट, इसको यहाँ पे आपको एनेबल कर देना है होवर टाइपिंग। तो इस पे क्या है कि सपोज जब भी आप कोई टेक्स्ट यहाँ पे रीड करना चाहेंगे जब भी यहाँ पे आप करेंगे तो होवर होगा। तो सपोज मैं यहाँ पे नोट्स एप्लीकेशन के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं कुछ लिखता हूँ, देखिए बड़ा हो जाएगा हाउ। तो अगर सपोज आपको कुछ
सपोज ये फीचर उन लोगों के यहाँ पे ज़्यादा यूजफुल है जिनको थोड़ी देखने में प्रॉब्लम होती है, जो और लोग होते हैं जिनको थोड़ा दिखता है यहाँ पे कम है, तो अगर इसको यहाँ पे एनेबल कर देते हैं तो उनकी स्क्रीन पे जो भी वो लिखेंगे उनको बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे दिखेगा और इजीली यहाँ पे वो टाइप भी कर पाएंगे, उसको यहाँ पे रीड भी कर पाएंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर यहाँ पे एप्पल ने दिया, थम्सअप तो बनता ही एप्पल के लिए कि ऐसे कूल फीचर्स एप्पल यहाँ पे उन लोगों के लिए दे रहा है जो लोग यहाँ डिसेबल हैं या फिर वो इन मैकबुक्स को यहाँ पे इजीली यहाँ पे यूज़ कर पाए। तो आई लाइक दिस फीचर, नीचे मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको फीचर यहाँ पे कैसा लगा। अगर इस बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में जो यहाँ पे दिया है एप्पल ने कैलकुलेटर के अंदर, जहाँ कैलकुलेटर में कुछ यहाँ पे एप्पल ने चेंजेस यहाँ पे करे हैं। तो सपोज हम बिना टाइम वेस्ट करें यहाँ पे कैलकुलेटर को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे एप्पल ने इंटरफेस यहाँ पे पूरा चेंज कर दिया कैलकुलेटर का, जहाँ पे आप देखेंगे बटन जो हैं थोड़े यहाँ पे और ज़्यादा सर्कुलर हो गए हैं और एक रियलिस्टिक कैलकुलेटर यहाँ पे वो लग रहा है। सपोज मैं यहाँ पे आ जाता हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर, तो यहाँ पे आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यहाँ पे मिल जाता है, बेसिक पे आएंगे तो बेसिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर सपोज मैं यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे करेंसी कन्वर्टर आपको मिलता है, कोई सी भी आप यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब अगर सपोज़ मैं यहाँ पे आता हूँ तो INR पे जो आपको बराबर में एरो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जो भी चीज़ यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं इजी यहाँ पे कर सकते हैं। अभी फिलहाल के मैं INR को यहाँ पे यूरो में करना चाहता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा 89 INR, तो यूरो में इसका होगा 0.95 EUR। तो अगर आप करेंसी कन्वर्जन इंस्टेंट यहाँ पे करना चाहते हैं तो गूगल पे जाने के बजाय कैलकुलेटर करने यहाँ पे आप कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको पीछे भी मैथ नोट्स का फीचर दिखाया था, तो इस बार कैलकुलेटर एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन बन चुकी है और आईपैड पे भी आ चुकी है, तो ये बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन यहाँ पे एप्पल ने कर दी है। अब हम कह सकते हैं कि आपको जो एप्पल का जो कैलकुलेटर है यहाँ पे वो बहुत बेस्ट हो चुका है और एप्पल ने बहुत सही टाइम पे आईपैड के लिए भी यहाँ पे इसको लॉन्च कर दिया है। अब गाइस हम बात करते हैं हमारे 32 फीचर के बारे में, जो है हमारे 32th फीचर, इसमें आपने दिया है ऐप स्टोर के अंदर। जहाँ सपोज आप अपने ऐप स्टोर के अंदर कोई सी भी एप्लीकेशन यहाँ पे हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, कोई सी भी एप्लीकेशन यहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन है जो उसका साइज़ यहाँ पे डेवलपर ने मेंशन किया है, सपोज़ कोई अगर एप्लीकेशन 2 GB की है तो आपके मैक के अंदर 2 GB की ही स्पेस लेगी, वो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे एक्वायर नहीं करेगी। और यही सेम चीज़ एप्पल ने डेवलपर्स को भी यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे बोल दी कि जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे ऐप स्टोर पर डलेगी तो उनको क्लियरली वो साइज़ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ताकि यूज़र को पता चले कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो कितना यहाँ पे स्पेस आपके यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगी आपके SSD का। गाइस पहले क्या था कि मैक को सुनोमा तक कि सपोज़ कोई सी भी एप्लीकेशन यहाँ पे हम ऐप स्टोर से यहाँ पे डाउनलोड या इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे लेती थी, पर अब इस मैक को सिकोया के अंदर यहाँ पे एप्पल ने क्लियरली जैसे यहाँ बता दिया है कि जो भी एप्लीकेशन या ऐप स्टोर पर डलेगी तो डेवलपर्स को साइज़ यहाँ मेंशन करना पड़ेगा क्लियरली, ताकि यूज़र को बताओ कि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन कितना यहाँ पे यहाँ साइज़ यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगी। इन केस अगर डेवलपर को लगता है कि एप्लीकेशन एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑक्यूपाई कर सकती है स्पेस, तो वो भी हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा मूव है एप्पल की तरफ से कि जिससे क्या है कि हमें पता चलेगा कि हमारे मैक के ऊपर कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ लेके बैठी हुई है, कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे नहीं ले रही है और हम उनको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो दैट्स अ गुड मूव फ्रॉम एप्पल, और ये चीज़ एप्पल ने शायद आईफोन में भी इंप्लीमेंट करी है, हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एप्पल ने आईफोन के अंदर यहाँ पे करी है यहाँ पे नहीं करी है, पर मैक के अंदर यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर जो यहाँ पे आता है मैसेजेस को लेकर, जहाँ पे एप्पल ने iOS 18 मैक को सिकोया बहुत मतलब अक्रॉस द प्लेटफॉर्म यहाँ पे एप्पल ने RCS का सपोर्ट दे दिया है, कि जहाँ पे वो अपने टेक्स्ट मैसेज के थ्रू यानी कि नॉर्मल SMS के थ्रू भी आप अपने एंड्रॉयड वाले जो भाई बहनों हैं उनसे यहाँ पे बात कर सकते हैं, इजी यहाँ पे उनको चैटिंग कर सकते हैं, वीडियोज फोटोज यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एप्पल ने जो एक गैप था एंड्रॉइड और आईफोन के बीच में, एप्पल या एंड्रॉइड के बीच में यहाँ पे काफ़ी हद तक कम कर दिया है, और इवन विंडोज़ और मैकबुक के बीच में जो गैप था यहाँ पे एप्पल ने काफ़ी हद तक कम कर दिया, और इजीली आप लोग यहाँ पे चैटिंग कर सकते हैं। आपको डिटेल में यहाँ पे जानना है RCS कैसे काम करता है क्या, तो मैं वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है, मैं यहाँ पे अपने चैनल पर पिन कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके चेकआउट यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर यहाँ पे जो दिया एप्पल ने iCloud के लेकर, जहाँ पे एप्पल ने एक सिस्टम सेटिंग्स के अंदर iCloud को एक सेपरेट यहाँ पे ऑप्शन दे दिया। आइए आपको दिखाता हूँ क्या। तो सपोज हम जाएंगे यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा iCloud के अंदर, तो देखिए एप्पल ने iCloud का एक अलग से यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पे एप्पल ने पूरा जो डिज़ाइन है यहाँ पे पूरा काफ़ी यहाँ पे चेंज कर दिया है, और जैसे कि आपने कॉमन चीज़ यहाँ पे नोटिस करी होगी, जो इस बार जो UI चेंजेस यहाँ पे एप्पल ने करे हैं वो एक समवॉट यहाँ पे विजन OS जैसे यहाँ पे लगता है। तो देखिए यहाँ पे एप्पल ने UI कितना बढ़िया कर दिया कि जहाँ पे आपको स्पेस यहाँ दिख जाती है, कौन कौन सी चीज़ें अपने iCloud में आपने सेव करी है वो यहाँ पे आपको दिख जाती है, कौन सी एप्लीकेशन iCloud में आप एक्सेस कर रही है, यहाँ पे आपको फीचर्स दिख जाते हैं कि आपका प्लान कौन सा है, फैमिली अगर आप यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट डेटा यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, हाइड माय ईमेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कस्टम ईमेल यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, एडवांस डेटा प्रोटेक्शन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो ये एक अलग से एक सेक्शन यहाँ पे एप्पल ने iCloud को दिया है, ताकि आप अपने iCloud की सेटिंग्स यहाँ पे इजीली मैनेज कर पाएं। ये पहले क्या था कि पहले हमें यहाँ पे इस पर क्लिक करना पड़ता था, उसके बाद हमें iCloud पर आना पड़ता था, पर अब ऑटोमेटिकली हम यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं।
गाइस हम बात करते हैं एक नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी फीचर के बारे में जो यहाँ पे एप्पल ने दिया, वो है वोकल शॉर्टकट्स, जहाँ पे अपने मैक को बता सकते हैं कोई पर्टिकुलर फ्रेज या पर्टिकुलर टेक्स्ट जो यहाँ पे आप बोलेंगे ताकि आपका मैक उसको रिकॉग्नाइज यहाँ पे कर पाए। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे कैसे करना है। तो हम जाएंगे यहाँ पे, तो हम जाएंगे सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद जाएंगे एक्सेसिबिलिटी, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा वोकल शॉर्टकट्स। जैसे इसको यहाँ पे आप सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब भी आप सेटअप करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली कुछ पर्टिकुलर फ्रेज वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मैक को जो आप बोलेंगे, ताकि आपका मैक जो है वो उस चीज़ को यहाँ पे सुन पाए। अगर सब आप डिसेबल्ड हैं या आप सब अपने हैंड से मैकबुक को यूज़ नहीं कर सकते, वॉइस से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो अपने मैक को ट्रेन कर सकते हैं कि आपका अगर आप सब जब भी कोई लाइन या वर्ड यहाँ पे आप यूज़ करेंगे तो मैक उसमें कैसे परफॉर्म यहाँ पे करेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फीचर। इससे क्या है कि ऑटोमेटिकली अपने मैक को आप ट्रेन भी कर रहे हैं ताकि इजीली अपने मैक को यहाँ पे यूज़ कर पाए, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे और ज़्यादा एनहांस हो पाए। क्योंकि क्या होता है कि मशीन है, मशीन कभी कभी हमारी वॉइस को नहीं समझ पाती है या कुछ एरर्स यहाँ पे हो सकते हैं, उसको यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए एप्पल ने आपको फीचर यहाँ पे दिया है। गाइज नेक्स्ट फीचर यहाँ पे एप्पल ने दिया मैसेजेस के अंदर, जहाँ पे एप्पल ने मैसेजेस के अंदर इस साल टैप पैक्स का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जहाँ पे कोई से भी मैसेज को आप इमोजी से यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ कैसे। तो सपोज मैंने यहाँ पे कोई सा भी मैसेज यहाँ पे खोला हुआ है, तो जैसे सपोज मैं इस पर डबल टैप यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हम इसको करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारे इमोजीज यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप टैप बैक्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज ए इमोजी और इजी यहाँ पे इसको रिप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे व्हाट्सएप पे करते हैं। तो समवर्ड यहाँ पे एप्पल ने व्हाट्सएप वाला जो टैप बैक का फीचर है यहाँ पे एप्पल ने एप्पल मैसेजेस करने यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि अब एंड्रॉइड वाले भी अब आई मैसेज के थ्रू यहाँ पे चैट कर सकते हैं, तो इसलिए एप्पल ने इस फीचर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट फीचर यहाँ पे जो एप्पल दिया सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, जहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग में जब भी आप अपनी एप्पल आईडी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एप्पल ने आपको एक नया ऑप्शन दिया है साइन इन विद एप्पल का। मैं आपको स्क्रीन पे फोटो दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि साइन इन विद एप्पल जब क्लिक करेंगे तो आपको सारी वेबसाइट सारी एप्लीकेशन यहाँ पे लिस्ट दिखाएगा, जहाँ पे अपने अपने एप्लीकेशन के अंदर या वेबसाइट्स के अंदर अपने अपने अपनी एप्पल आईडी से यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। तो पहले ये चीज़ क्या थी कि हम इजीली इसको एक्सेस नहीं कर पाते थे, पर एप्पल ने इस ऑप्शन को देकर इस चीज़ को यहाँ पे काफ़ी यूजफुल बना दिया कि हम इजीली उन वेबसाइट्स को ट्रैक कर सकते हैं और वहाँ पे उनको रिमूव भी कर सकते हैं अगर हमें इन केस हमें फ्यूचर में वेबसाइट पे अपनी एप्पल आईडी को यहाँ पे यूज़ नहीं करना। तो ये फीचर भी बहुत कमाल का यहाँ पे एप्पल ने दिया है। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे एप्पल ने दी है वो दी है वेदर एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यहाँ पे ओपन करेंगे वेदर, जैसे मैं वेदर यहाँ पे ओपन करूँगा तो अब क्या है कि वेदर क्या करेगा कि आपको आप जिस भी लोकेशन पे यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आप होम पर हैं या वर्क पर हैं, तो वो एक रिकॉग्नाइजेबल एक चीज़ यहाँ पे एप्पल ने दी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे होम यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और अगर सपोज मैं कहीं बाहर घूमने गया हूँ तो वहाँ पे उस हिसाब से एप्पल आपको दिखाएगा। तो ये छोटा सा एडिशन यहाँ पे एप्पल ने किया वेदर एप्लीकेशन के अंदर, तो एक काइंड ऑफ है यूजफुल है क्योंकि हमें इससे पता चलेगा कि हमारे घर का वेदर कैसा है, हमारी लोकेलिटी का वेदर कैसा है। अगर हम कहीं घूमने गए हैं तो हमें पता चलेगा कि हम घूमने यहाँ पे जहाँ पे गए हैं उसका वेदर यहाँ पे कैसा है। तो ये कुछ यूजफुल चीज़ यहाँ पे एप्पल ने ऐड करी है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर यहाँ पे जो एप्पल ने दिया है मैसेजेस के अंदर, जहाँ पे आप अपने मैसेजेस को जब भी यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो टेक्स्ट इफेक्ट्स यहाँ पे एप्पल ने दिए हैं, उनको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उनका फॉन्ट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट इफेक्ट्स यहाँ पे एप्पल ने दिए हैं। तो ये छोटा सा एडिशन यहाँ पे एप्पल ने किया ताकि आपका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है, आपको जो चैटिंग करने का जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे कहीं गुना एनहांस हो जाए। यहाँ पे आप नेक्स्ट आता है फीचर 40th फीचर यहाँ पे जो एप्पल ने दिया वो दिया यहाँ पे सीरी को लेकर, जहाँ पे सीरी क्या करेगी आपकी एटिपिकल स्पीच को भी यहाँ पे सीरी यहाँ पे यूज़ कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि सपोज जैसे कि आप डिसेबल्ड हैं, आपको सपोज आपकी जो ऑडियो है या जो आपका जो बोलने का तरीका है वो सीरी यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है, अगर आप इस एटिकल स्पीच को यहाँ पे एनेबल कर देते हैं तो इससे क्या है कि आपकी जो सीरी आपकी रिक्वेस्ट को यहाँ पे और अच्छे से यहाँ पे सुन पाएगी और अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्ड कर पाएगी। आपको दिखाता हूँ कैसे इसको यहाँ पे इसको एनेबल करना है। तो आपको क्या करना है, जाएंगे सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर, फिर जाना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर, यहाँ पे हम जाएंगे सीरी का हमें एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा सीरी, और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिला है लिसन फॉर एटिपिकल स्पीच, तो इसको हम यहाँ पे एनेबल करेंगे। तो इससे क्या है कि जो आपके स्पीच पैटर्न्स हैं, आपको जो बोलने का तरीका है, सीरी उसको समझेगी और आपको उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये एक टाइप काइंड ऑफ समझ लीजिए कि कभी जैसे कभी कभी क्या होता है, हम इंडियन लैंग्वेजेस की बात करें हिंदी या इंग्लिश, अगर हम सीरी से यहाँ पे पूछते हैं तो सीरी उसको रिस्पॉन्ड यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं कर पाती है, बिकॉज जो सीरी है वो इंटरनेशनल कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंड है और इंडिया के स्पेसिफिकली यहाँ पे ट्रेंड इतनी नहीं है। तो इसके आने की वजह से आप ईजिली उसको यहाँ पे ट्रेन भी कर सकते हैं और यहाँ पे इसको बता भी सकते हैं। गाइज नेक्स्ट फीचर यहाँ पे बात करते हैं जो यहाँ पे आपने दिया HDMI पास थ्रू का सपोर्ट, जहाँ सपोज अगर आपने मैक को अपने HDMI केबल से की स्क्रीन के साथ यहाँ पे अटैच किया हुआ है, स्पीकर के साथ यहाँ पे अटैच किया हुआ है, और कोई सी भी एप्लीकेशन यहाँ पे आप यूज़ करते हैं जो आप जिस पे वो सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं, वीडियो यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, तो उसमें आपने एक ऑप्शन दिया है HDMI सपोर्ट पास थ्रू का। इसके मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी आपकी डॉल्बी एटमॉस का जो सपोर्ट है, ऑडियो है, जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो HDMI केबल के थ्रू ही यहाँ पे जाएं या वायरलेसली यहाँ पे जा सकती हैं।
तो कस्टमाइज यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे फोटो दिखा रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट है यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे HDMI पास थ्रू का, तो यहाँ पे दिखा हुआ है प्रेफर HDMI पास थ्रू। इससे क्या है कि जो भी आपकी सपोर्टेड ऑडियो होंगे या जो भी आपकी वीडियोज होंगे डॉल्बी एटमॉस यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, या दूसरे डॉल्बी ऑडियो फॉर्मेट्स में यहाँ पे उसको प्ले कर सकते हैं HDMI के थ्रू। और ऑटोमेटिकली जो भी जिस भी डिवाइस से आपने अपने मैक को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके उस डिवाइस पे भी यहाँ पे चलेगा। तो इससे क्या है कि आपका जो एक्सपीरियंस है डॉल्बी एटमॉस का, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज़ हो पाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर, यहाँ पे आता है रिमाइंडर्स के अंदर, जहाँ पे आपने रिमाइंडर्स और कैलेंडर्स को यहाँ पे कंबाइन कर दिया कि जहाँ पे सपोज जो भी रिमाइंडर यहाँ पे आप सेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको अपने कैलेंडर पे भी यहाँ पे शो हो जाएगा। सपोज अगर मैंने आज के लिए यहाँ पे एक रिमाइंडर सेट किया कि मुझे रात को सपोज जल्दी सोना है 9 बजे, और कैलेंडर के अंदर अगर मैं उसको ओपन करूँगा तो मुझे आज की डेट के अंदर ही वो टाइम और मेरा टास्क यहाँ मुझे शो करेगा। तो इससे क्या है कि सपोज जो लोग रिमाइंडर्स यहाँ पे यूज़ करते हैं अपनी चीज़ें याद रखने के लिए या मीटिंग्स को शेड्यूल करने के लिए, इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ पे इसको यूज़ करने के लिए, तो ये फीचर काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि वो अपने कैलेंडर के अंदर ईजी सब चीज़ यहाँ पे वॉच कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे आपने दिया हेडफोन अकोमोडेशन का। ये फीचर पहले फिलहाल आईफोन पर तो था, बट एप्पल ने मैक के अंदर भी यहाँ पे दे दिया। तो इसमें क्या है कि सपोज इसके वजह से क्या हो सकता है कि अगर सपोज आप एप्पल के एयरपॉड्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बीट्स के हेडफोन यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, बीट्स भी हालांकि एप्पल का ही है, बट बीट्स अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कोई भी थर्ड पार्टी आप यहाँ पे हेडफोन या एयरपॉड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या है कि इसकी मदद से अपने कोई भी ऑडियो को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एप्पल एयरपॉड्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि जो टोन है वो थोड़ी बैलेंस्ड हो, बेस उसमें ज़्यादा हो, तो आप डिफरेंट यहाँ पे डिवाइसेस के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स या साउंड को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि आपका जो डिफरेंट, फॉर एग्जांपल एक हेडफोन है उसके अंदर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, अच्छा खासा बेस है, और आप चाहते हैं कि जब भी आप उस हेडफोन में यहाँ पे गाने सुने या कुछ भी यहाँ पे आप देखें उसका बेस आपको यहाँ पे फील हो, उसके वोकल्स आपको यहाँ पे फील हो, तो ईजिली आप इस फीचर की मदद से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको फीचर यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा। तो हम जाएंगे सिस्टम सेटिंग्स के अंदर और फिर जाएंगे एक्सेसिबिलिटी के अंदर, यहाँ पे हमें जाना है ऑडियो के अंदर, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा हेडफोन अकोमोडेशन, यहाँ पे हम जाएंगे कस्टम ऑडियो सेटअप के अंदर। तो जो भी आपने एयरपॉड या जो भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे सपोर्ट एप्पल एयरपॉड या एप्पल बीट्स के यहाँ पे हेडफोन्स, तो उनके हिसाब से कोई सा भी यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने साउंड को, ताकि आपको जो लिसनिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे कहीं गुना यहाँ पे एनहांस हो जाए। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर यहाँ पे जो एप्पल ने दिया सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, जहाँ पे आपने सिस्टम सेटिंग्स को थोड़ा बहुत यहाँ पे UI चेंज यहाँ पे एप्पल ने किया है। जहाँ सपोज हम जाएंगे सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, हम जाएंगे जनरल के ऊपर, तो देखिए जनरल का यहाँ पे हेडिंग हमें मिलती है, उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके नीचे हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। यही सेम चीज़ एप्पल ने प्राइवेसी सिक्योरिटी में भी करी है। तो देखिए प्राइवेसी सिक्योरिटी में यहाँ पे आएंगे तो प्राइवेसी का हमें अलग से सेक्शन मिलता है, उसके नीचे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो अलग अलग UI चेंज यहाँ पे एप्पल ने करा है। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे एप्पल आता है मैथ्स नोट्स, जहाँ पे मैथ्स नोट्स मैं आपको बता दूँ कि खाली आप एप्पल नोट्स पे यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते, आप अक्रॉस द ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज आपने कोई वेबसाइट यहाँ पे खोली हुई है, आप नोट्स उसमें ले रहे हैं, तो उसमें भी वो चीज़ एक्सेसिबल है। अगर आप सपोज आई मैसेज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी अगर सपोज कोई ऐप कुछ कैलकुलेशन या कुछ करेंसी कन्वर्जन यहाँ पे करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ कमांड देनी हो, अक्रॉस द प्लेटफॉर्म आपका मैथ्स नोट्स यहाँ पे आपका चलेगा। गाइज नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है कि एप्पल ने कंटेक्चुअल मेन्यू ऑप्शन हमें ओपन करने का यहाँ पे हमें ऑप्शन दे दिया, विंडोज़ में बहुत पहले से था, बट आपको मैक के अंदर यहाँ पे मिल चुका है। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे इसको एक्सेस करना है। तो सपोज मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ टेक्स्ट एडिट, उसके बाद मैं न्यू डॉक्यूमेंट में यहाँ पे क्लिक करूँगा। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा, सपोज बिग बैंग, ठीक है, सपोज मैंने कीबोर्ड पे लिखा बिग बैंग, उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल प्लस एंटर यहाँ पे आप दबाएंगे, तो अब आप इस मेन्यू को इस कीज़ की मदद से भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। पहले क्या था कि मैक को स्नो में हमें डबल टैप करना पड़ता था माउस के ऊपर, तब हम इन ऑप्शंस यहाँ पे एक्सेस कर पाते थे, पर अब आप कंट्रोल बस एंटर दबा के कहीं पे भी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इजीली डबल क्लिक वाले ऑप्शन को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है आईफोन मिररिंग को लेकर, जहाँ पे मैं आपको दिखाया था कि आईफोन मिररिंग के अंदर जब भी हम कोई चीज़ यहाँ पे एक्सेस करेंगे अपने आईफोन के अंदर, तो हमें टच आईडी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, टच आईडी पहले लगानी पड़ेगी अपने आईफोन को एक्सेस करने के लिए, फिर अपने को और कुछ चीज़ें अगर हमें एक्सेस करनी हो तो टच आईडी का सपोर्ट भी हमें मिलता है। अगर सपोज हमने आईफोन को मिरर करा हुआ है अपने मैक के ऊपर, अगर हम सपोज उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन कोई पेमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, कोई ऐप स्टोर से कोई यहाँ पे ऐप हम यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं आईफोन के लिए, तो उसमें भी टच आईडी यहाँ पे लगेगी। जैसे हम आईफोन पे फेस आईडी लगाते हैं, तो मैक पे टच आईडी यहाँ पे लगती है, तो आपको टच आईडी का सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है आईफोन मिररिंग के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं सफारी के अंदर, ये हमारा 48 फीचर है, जहाँ पे एप्पल ने सफारी का जो रीडर व्यू है उसको यहाँ पे थोड़ा एनहांस किया है। जहाँ पे सपोज हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने मैक के ऊपर, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, हम जाएंगे सफारी में, उसके बाद सपोज़ मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे खोल लेता हूँ applefanboy.in। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई सा भी ब्लॉग यहाँ पे ओपन किया, उसके मैं जाऊँगा यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे, फिर हम जाएंगे शो रीडर पे। देखिए यहाँ पे पहले क्या था कि रीडर हमें अलग से ऑप्शन मिलता था, पर हमें इसको हमें ऐसा पॉपअप देखने को मिलता है, तो हम जाएंगे शो रीडर के ऊपर, उसके बाद दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे कुछ एप्पल ने कुछ थीम्स यहाँ पे दी है, यहाँ पे थीम दी है, यहाँ पे फॉन्ट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ जॉर्जिया,
तो जॉर्जी यहाँ पे लग जाएगा, मुझे थीम चेंज करनी, देखिए थीम चेंज हो गई, ये देखिए। तो आप थीम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ कस्टमाइजेशन फीचर्स यहाँ पे एप्पल ने दिए रीडर व्यू के अंदर, ताकि अगर सपोज आप कोई आर्टिकल है जो आप रात को बैठ के पढ़ रहे हैं, अंधेरा है, आपको आईज पे वो व्हाइट लाइट चुभ रही है, तो आप रीडर व्यू के अंदर इसको यहाँ पे डार्क कर दीजिए और इजीली हमें टेक्स्ट यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का कूल फीचर यहाँ पे एप्पल ने दिया है। बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट फीचर की, जो यहाँ पे आता है मैसेजेस के अंदर, जहाँ पे आप मेल की तरह अपने मैसेजेस को भी यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। जब भी कोई मैसेज यहाँ पे आप सेंड करना चाहेंगे, तो वो सेंड करने से पहले आपसे आपका मैक पूछेगा कि आपको अभी करना है या फिर इसको शेड्यूल करना है, तो आप शेड्यूल भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये भी बहुत कूल फीचर है, अगर सपोज कोई मैसेज आप भूल ना जाए, फॉर एग्जांपल मुझे अगर अपने किसी फ्रेंड को मैसेज करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं चाहता हूँ कि वो आज ही वो कल डिलीवर हो, तो मैं अपने मैसेज को टाइप कर मैं उसको शेड्यूल कर सकता हूँ पर्टिकुलर टाइम या डेट के लिए, और वो मैसेज जो है वो ऑटोमेटिकली उस टाइम और डेट के हिसाब से वो मेरे फ्रेंड को यहाँ पे चला जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी कूल फीचर। लास्ट फीचर हमारा आता है मैप्स के अंदर, जहाँ पे एप्पल ने हाइकिंग ट्रेल्स का भी यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है मैप्स के अंदर, जहाँ पे अपने मैप के ऊपर जब भी मैप्स एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो आप कस्टम रूट्स यहाँ बना सकते हैं। हाइकिंग अगर आप करते हैं तो हाइकिंग के जो ट्रेल्स हैं यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जो फीचर्स आईफोन पे थे वो एप्पल ने मैप के ऊपर भी दे दिए, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बिकॉज इंडिया में शायद उसको हम इतना यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। पर अगर आप हाइकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, मैप को साथ लेके जाते हैं, तो आप घर से निकलने से पहले हाइकिंग ट्रेल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको ईजी हो जाए हाइकिंग करने में। तो गाइज यही थे सारे 50 फीचर्स जो मुझे लगे कि macOS Sequoia के अंदर यहाँ पे एप्पल ने दिए हैं और हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। अब ये 50 फीचर मैं आपको बताया, तो इन फीचर्स को जानने के बाद नीचे मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा फीचर यहाँ पे अच्छा लगा है, कौन सा फीचर यहाँ पे आपको लगा कि एप्पल थोड़ा इसको और इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर सकता है। तो आपका फीडबैक या आपका रिव्यू मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा इस वीडियो के लिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मुझे बनाने में उसको यहाँ पे हेल्प हो। मिलता हूँ आपसे आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।